ये गिरधर को अपनी कैटेगरी के लोग मिल गए, इनके साथ सेल्फी ले रहा बेड बकरियों के साथ। तो दोस्तों, हम हवा महल घूमने के बाद अब आ चुके हैं आमेर किला देखने के लिए। ये चारों तरफ देख सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ से है और ये ऊपर आमेर किला है जो हमें जाना है और पैदल ही जाना है। बाजार में घूम कर फिर हम आ गए आमेर और तीन साल आए पैदल नहीं लगा दे देर। आप भी कंटिन्यू बने रहो हमारे साथ। देखिए दोस्तों क्या कुछ दिखता है यहाँ पर। और ये देखिए आप पर्यटक काफ़ी ज़्यादा इधर भी आए हुए हैं, मतलब कि जो राजस्थान में कुछ जाता है और जो जयपुर आ जाता है फिर वो हर जगह ही घूमता है। और गिरधर भाई कह रहे हैं पहले जूस पिएंगे, ये देखिए ताज़ा गन्ने का जूस, ये 10 रुपये का गिलास है, जैसे अपना 20 बोतल वाले गिलास होते हैं। रुक जा दीदा सलामा। ये देखो दोस्तों, ये तो खेबाज आदमी मेरा भी पी गया। इसको कहते हैं बुखार नंगड़, और नंगड़ का ना इसके लिए भाई एक और बना दे और मेरा तो पी गया। यो पहाड़ों को देख के डाकू वाली फीलिंग ले और लूट खसूट शुरू कर दिया। बाकी दोस्तों घूमने का मजा आएगा, ऊपर चढ़ेंगे थकान होगी जरूर लेकिन अच्छा लगेगा। दोस्तों ये है आमेर महल, अब हम यहाँ चढ़ने वाले हैं। ये देखिए किला काफ़ी ऊपर तक है, ये देख सकते हैं। और हमें यहाँ से तो वैसे घूमते फिरते तीखे तीखे रास्तों से उधर तक जाना है। ये देखिए वहाँ पहुँचना हमको। अभी हम आ गए हैं आमेर महल, तो यहाँ पर ये गिरधर भाई टोपी खरीद रहे हैं लेकिन नहीं लेंगे, अब देखते आखिर और कुछ ले पाते कि नहीं। बाहर इन्होंने सेल्फी स्टिक लेने की कोशिश की थी, वो इनको महंगी लगी तो वो भी नहीं ली, क्योंकि ज़्यादातर सामान भाई देखते हैं लेते गुप्त में। वो दिखाई दे रहे बैकग्राउंड में, वहाँ तक चढ़ना है भाई साहब, वहाँ तक चढ़ना है। ये हमारे साथ गिरधर भाई है, ये कह रहा कि मैं तो यहाँ सो रहा हूँ तू आज। ये गिरधर को अपनी कैटेगरी के लोग मिल गए, इनके साथ सेल्फी ले रहा बेड बकरियों के साथ। हाँ तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ से अब चढ़ाई शुरू होगी। ऊपर चढ़ने से पहले ये चीज़ें देख लीजिए, राजस्थानी संस्कृति की पगड़ियाँ वगैरह। और यहाँ पे ये देखिए दूर की दूर ऐसे बाजार सजाया हुआ इन लोगों ने। यहाँ पर देख लीजिए कई चीज़ें रखी हुई है, और हमें जाना होगा ऊपर। ये राजस्थानी मटका कुल्फी, एक किला वो उधर भी है, वो देखिए ऊपर कहाँ। और ये महल के लिए पैदल रास्ता, इससे इसे कुछ और चीज़ें दिखा देते हैं आपको, देखते जाओ जो जो दिखा मिलता है आपको भी दिखाते चलेंगे। अभी हम और ऊपर चलेंगे। और यहाँ पे ये बजन का आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये काम करता है।
तो ये दोस्तों पहुंच गए, लेकिन देखा जाए तो इधर उधर और भी किले बने हुए, और भी जगह है। ये देखिए, जैसे कि ये पीछे रही, ये अंदर से इस किले का नज़ारा। ये गाड़ियां हैं जो लोगों को ऊपर लेके आती है, फिर छोड़ के भी आती है, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो पैदल में है। वहाँ से एंट्री हुई थी, सामने ये दिखाया था आपको, अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं। ये देखिए ऊपर, काफ़ी गर्मी हो गई है, थकान भी हो गई है, लेकिन ऊपर तो चढ़ना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से भी एंट्री हुई थी, बहुत कुछ आपको दिखा दिया है, आगे भी दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, यहाँ से हमने टिकट ले लिया, ये टिकट मिलके यहाँ पर 100 रुपये है टिकट के, और यहाँ से आप पीछे देखोगे तो ये देखिए, यह है किला, वो रहा सामने उधर, उधर चढ़ना अपने को, और ये पीछे का सीन है, ये पहाड़ है बड़ा सारा, कहते ऊपर बहुत कुछ है देखने का, देखते हैं चल के। यहाँ से टिकट ले लिया, 100 रुपये लगते टिकट के, अब चलते हैं हम ऊपर। और हाँ, विकलांगों के लिए फ्री है टिकट, नहीं लगती, जो साथ वाला गिरधर भाई है उसकी फ्री है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी हम ऊपर आ गए हैं, ये रास्ता है ऊपर आने का, और यहाँ से आप ये किला देख सकते हैं, और हम यहाँ से अभी इंटर हुए थे, ये रास्ते से देखोगे थोड़ा और आगे किले के ऊपर से वो रोड रहा, वहाँ से चले थे, काफ़ी दूर हो गए, और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ से एंट्री है, और उसके बाद ये पुराने पुराने किले है जो देखने हैं इधर, ये देखिए ये वाले। और भीड़ तो आप देख ही पा रहे हो, बहुत लोग आए हुए इधर, और अब यहाँ से आगे ऊपर जाने के लिए और एंट्री होगी। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी, क्योंकि शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, तो सही आ रही हो या नहीं आ रही हो कोई पक्का नहीं है। और अब इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, और ये इधर भी देख लीजिए, चारों तरफ देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर ये देखिए चमक रहा सारा कुछ, पता नहीं क्या, ये देखिए यहाँ पर सब देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चला क्या है, ये देख रहे हैं, और यो हाल है खाली, इसमें कुछ नहीं है, ये हाल तो खाली है, लेकिन देख क्यों रहे, अंदर भी नहीं जाना, ये जो इसके अंदर लगा हुआ ना, ये चमक रहा है, जैसे सटी होता होता ना, या कांच होता, जैसे ऐसे चमक रहा है सारा कुछ, ये कलाकृति की हुई है ना इनके साथ साथ, ये देखिए, और छत में दिखिएगा खास कर, ये देखिए, ये इधर लिखा हुआ है जो हमने सामने आपको दिखाया था, दीवाने खास, जिसका निर्माण 1621 से 67 पूर्व हुआ था शायद, तो ये दीवाने खास है। इधर इधर भी है कुछ, लेकिन ये ताले लगा रखे इधर को, लॉक किया हुआ है सारा कुछ। और ये इधर ये हालात देखिए, इसके अंदर जाना का ऐसा रास्ता है, और ये देखिए जैसे फिल्मों में होती है शूटिंग, वैसी चीज़ें कई जगह ऐसी ऐसी जगहों पर शूटिंग होती है, आराम से भाई आराम से। ये यहाँ पे सीढ़ी ऐसी है, एक बार फिसल गया, गिर गया थोड़ा सा, तो नहीं लगे फंस गया, लेकिन सीढ़ियाँ थोड़ी खतरनाक है, मौसम ठंडा है, हवा चल पड़ी है। अब यहाँ अंदर कुछ सुनने के लिए जगह चाहिए, जगह लेकिन है नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम ऊपर चलते हैं, जैसे हवा महल में थी सकड़ी सकड़ी सीढ़ियाँ, वैसी ही है, उनसे थोड़ी ठीक है, लेकिन एक समस्या ये बहुत फिसलने वाली सीढ़ियाँ बनाई हुई है,
सही नहीं है, मतलब कि चढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि जो पत्थर लगा रहा है वो थोड़ा चिकना है और जिससे फिसलने का डर रहता है। ओ ये किला देख लो भाई, ये देखिए ऊपर ये रहा। और यहाँ पे हवा बहुत ठंडी चल पड़ी है, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश होगी। और ये बैकग्राउंड में आप साथ में देख रहे हैं किला। अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा और ऊपर, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ है, ये देखने की है साइड। और यार देखिए वहाँ से भी सीढ़ियाँ थी और हमने गली सी दिखाई थी ना, तो वो इधर से भी आ रही है, मतलब नीचे से ऊपर आने के बहुत सारे रास्ते, एक नहीं है। और ये साथ में इधर अंग्रेज भी घूम रहे हैं, ये नहीं पता कौन से देश के, लेकिन अपने लिए गोरे सारे अंग्रेजी है। और ये देखिए इधर उधर भी जाएंगे आप, दिख रहा है ना ये रास्ते, यहाँ से मेरे बैकग्राउंड में आप पहाड़ सा देख पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ लिख सकता है और देखने की चीज़ है शायद, ये यहाँ नीचे बैठ के दिखा देता हूँ। यही वो नीचे रोड दिख रहा आपको जहाँ से हम ऊपर आए थे, ये देखिए ये रोड है वो जहाँ से हम चढ़े थे शुरुआत में, उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर आके ये तालाब आया था। और ये पार्क सा देखिए कितना अच्छा आ रहा है नज़ारा इसका। तो चलिए दोस्तों यहाँ से चलते हैं, हम यहाँ से आए थे, अब और आगे चलते हैं, क्या कुछ दिखाई देता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं पुलिस वाले भाई से पूछा था ऊपर का जो सिक्योरिटी वाला के अंदर कोई सुरंग है, इसमें घुसते हैं चलो। देखिए देखिए गिरधर भाई फोटो लेने का बोल रहा है इनको, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। ये देखिए इनके साथ सेल्फी ले रहा है, मान गए ये लोग, मान के चलो इसको पूरा दिन हो गया कहते हुए फोटो लेना अंग्रेजों के साथ। अभी ये कपल तैयार हुआ है फोटो लेने के लिए, खुशी जाहिर कीजिए भाई साहब। आखिरकार सफलता मिल गई, कैफे कॉफी डे आ गया है, कुछ खाने पीने का सामान आ गया है। और ये देख लीजिए काफी जगह देखा होगा आज, फिर देख लीजिए बाकी कुछ खरीदना हो तो किसी को खरीद सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें उपलब्ध है यहाँ। और अब और अंदर कुछ अच्छा यार, यहाँ पे कह रहे भाई के कैमरा अलाउड नहीं है इन चीज़ों को दिखाने के लिए, इसलिए अब हम कैमरे को बंद कर रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ बाहर आ गए जहाँ से, तो वहाँ अंदर गए थे, कैमरा अलाउड नहीं था, हमने आपको थोड़ा बहुत दिखा रखा है। वहाँ पे राजस्थानी पोशाकें वगैरह थी तो कैमरा लग नहीं था, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ हो रहा है शायद, देखते राजस्थानी प्रोग्राम ये रहा, इधर दिखाते हैं आपको भी, देखते हैं क्या कुछ शायद कठपुतलियाँ नाच रही होगी, वही होगा इधर देखना के, चलो देखते हैं। तो अभी ये कठपुतलियाँ नचा रहे थे लेकिन पहले ख़त्म हो गया, अब दोबारा शुरू करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम चल रहे हैं आगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ शॉप वगैरह, फिर सुरंग का रास्ता गिरधर, और पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, और ये है सुरंग का रास्ता, चलते हैं सुरंग में क्या है देखते हैं, पता नहीं कुछ है कि नहीं है, कुछ है भाई खास देखने का नीचे सुरंग में, कुछ नहीं है। और नो ये टनल का रास्ता है जो हमें पहले से हमने टनल की जगह पर से कनेक्ट करता है, ये 2 किलोमीटर का टनल का अंदर से गिरधर 2 किलोमीटर का है सुरंग है, 2 किलोमीटर का ही तो आज ही मेरा 2 किलोमीटर और ओ नो भाई चलो सुरंग में चल पड़े दोस्त को भाई, रास्ता है क्या बार कहीं है वो पहुंच जाएगा 2 किलोमीटर, ओ नो आप उधर से बंद करते हैं बोल रहे 15 मिनट में, ऐसे गिरधर अन्यू तो कौन चले जाओ भाई 2 किलोमीटर चला गया भाई, डायरेक्शन चेंज, अंधेरा मिलेगा कुछ नहीं मिलना। दोस्तों हम वापस जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा, हवा महल की तरह हवा मिली थी वहाँ पे, यहाँ पे अंधेरा मिलेगा, कोई फायदा नहीं जाने का। 2 किलोमीटर नहीं चलेंगे भाई वो भी सुरंग में, इसलिए हम वापस निकल आए बाहर, ये भाई फंस गया सुरंग सुरंग में, नहीं घुस रहे भाई हम क्योंकि सुरंग में अंधेरा ही अंधेरा है, कोई ऑप्शन पूछते ऑप्शन पूछते हैं और ऑप्शन पूछते कुछ है ऑप्शन क्या भाई, अरे कोई गाइड बुक से कहीं गिर जाए, पढ़िए क्या लिख रखा है इसमें, मिल जाए शायद कुछ सुरंग का कुछ लिखा हुआ, पढ़ के देखते हैं अगर
जाना सही होगा तो जाएंगे, वरना मन नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा और इतना चलने का अभी हमारा कोई मन नहीं है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये बड़े बड़े कढ़ाई पता नहीं कितने लोगों के लिए बनाते हुए देखिए इतना बड़ा है। और नो एक ये है और एक ये भी रखा है इधर। हाँ भाई क्या मिला? ये सुरंग है उपत मीटिंगों के लिए और जनानी डोडी और दीवाने खास को रास्ता जाता था, मतलब अपने काम के लिए पश्चिमी भाग में जाके बाहर निकल जाता दूसरे के लिए। सुरंग में दोस्तों लंबा टाइम लगता, इतना टाइम लगा नहीं सकते। चलिए दोस्तों और चलते हैं, शायद एक गाइड से पूछा कि ये रास्ता कहीं दूसरे किले में जाएगा, सुरंग का रास्ता सही नहीं है, 2 किलोमीटर लंबा चलना तो हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए और चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओ तरीके ये भाई, ये भाई क्या था इससे सोना के दांत काट रखे भाई? लाख का बना हुआ है इसके। अच्छा ये 1 लाख का थी, 50 रुपये चेंज पानी 1 लाख भाई, करोड़पति खड़ा मतलब मान लो। ये तो 13 लाख का तो इधर है, बाकी गोदाम में पता नहीं कितने का हुआ। गोदाम में तो करोड़ों भाई, अब लग रहा है अडानी की जगह आपको मिलने वाली है। अडानी बालों के अमीरों की लिस्ट में अब आपकी बारी है। ये भाई बता रहा काम की चीज है, ये पेन घुमा के खोलो। अच्छा घुमा के खोल, मार दो। अरे करंट रन मरनी मार दे, घुमा के खोल दे आपको यार। देखा सचमन, देखो ना हाथ से बनाता है पेन, पेन ले जाओ घुमा कर खोल देखना। कितना का भाई हो? 30 रुपये का पेन भाई। सब एक बात होता पेन देख रहे हो भाई, सोने का पेन, गोल्डन पेन दिखाइए भाई, पंडाल सा दिखाइए। देर आर सो मैनी कलर, सो मैनी कलर, नॉट आइंग कलर। और दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, ये देखिए इधर ये संदूक पेटी करते जिसको अपने हरियाणा में, इसके टायर लगे हुए लोहे के, ये देखिए कितनी बारी होती है और इसके अंदर कुछ रखते होंगे उस समय में। चलिए आगे, और ये लिखा हुआ है इधर कुछ, ये लिखा हुआ है गिरधर सोने की तोप, तेरे पीछे देखो ये प्रेस आइटम देखे, ये देखिए ये प्रेस रखी है, ये जयपुर के राजा की तोप है सोने की तोप। ये प्रेस हुक्का कैसे देते हो? देखो अपने घर में लोहे की प्रेस होती है और इनकी सोने की प्रेस। बगल वाला 600 रुपये, ये छोटा सा हुक्का बता रहा भाई 600 रुपये का, आगे वाला 1000 रुपये का जोड़ा है 1500, ये 1000 का 2000 के छोटे छोटे है और जोड़े है, मोर है। और कुछ दिखाएं आपको, ये देखिए ये राजस्थान की चीजें, ये लेडीज परस राजस्थान की। ये दोस्तों रास्ता जो था जहाँ से आए थे वही आकर मिल गया था, हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आके, लेकिन वापस घूम के यहीं पे आ गए। अब हम इसलिए दूसरी साइड चल पड़े कि कुछ और घूमना है, अभी हम वापस नहीं जाने वाले क्योंकि अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, देखते हैं क्या कुछ मिलता है। और ये फिर आ गए राजस्थान के कुछ कुछ सामान, और ये वही ओके तो छोटे छोटे 100 पीस के लिए, और हम वहीं पर आ गए जहाँ से बाहर निकलना था। हमने शायद पूरा तो नहीं घूमाए, हम शायद एक हिस्से से वापस आ गए। तो दोस्तों यहाँ से हम वापस बाहर आ गए हैं, जहाँ से चढ़े थे वहीं से उतर आए हैं। अब यहाँ से शायद दूसरे किले में जाने के लिए दूसरे रास्ते से चढ़ना पड़ेगा। अच्छा होता अगर वहीं से कोई रास्ता मिल जाता, ऐसे कैसे सीधा दूसरे किले में प्रवेश कर जाते तो ठीक था, क्योंकि चढ़ना उतरना हो सकता है दूसरा रास्ता जा भी रहा हो, हमें मिला नहीं हो या पता नहीं हो। लेकिन चलो ये देखिए यहाँ पे स्कूली बच्चे आए,
हम इधर से नीचे से आके सीधा इधर चले थे, अब जाना हमको इधर है, तभी हम दूसरे किले में प्रवेश करेंगे। काफ़ी थक गए हैं दोस्तों चलते चलते, क्योंकि लगातार आज तीसरा दिन है, लगातार तीन दिन से चल रहे हैं और मैं तो अच्छे से सो भी नहीं पाया हूँ। कारण आपको पता ही है, ये बाइक रट्टे मारता है, हर दिन साथ सोता है तो बुरा हाल होता है, खुद सो जाता है और उनकी नींद हराम कर देता है। चलिए आगे फिर दिखाते हैं आपको आगे चढ़ के, यहाँ पे अभी कुछ खास दिखाने का है नहीं, तो चलिए। तो दोस्तों हम पहले उधर से चढ़ के उस किले में गए थे, अब यहाँ से इस किले में जाना है इधर से, और जहाँ से आए थे वो रास्ता दिख रहा आपको सड़क काफ़ी दूर, तो चलिए ऊपर करते हैं दूसरे किले पर चढ़ाई। ये लिख रखा भाई जयगढ़ किला का रास्ता, वे टू जयगढ़ फोर्ट। चलिए दोस्तों अब जयगढ़ दुर्ग पर चलते हैं, करते हैं चढ़ाई जैसे वो पहले होता था ना कि आक्रमण करना था कि चढ़ाई करते हैं, अब हम भी चढ़ाई की कर रहे हैं। ओहो थक गए काफी ज्यादा, बर्नाड जा थोड़ा आगे है। तो चलिए दोस्तों ये राजगढ़ किला जयगढ़ किला है, अब चलते हैं करते हैं चढ़ाई, देखते हैं इसमें क्या दिखता है। वो तो ठीक था, काफ़ी लंबा चौड़ा था, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के गए, पता नहीं चला, कुछ समझ में नहीं आया ज़्यादा कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है, लेकिन फिर भी चढ़ गए थे आप काफ़ी ऊंचे ऊपर पहुँच भी गए थे, अब यहाँ चलते हैं। ये बाइक वाला भाई है, कह रहा कितने बताए, एक किलोमीटर के, एक किलोमीटर के डेढ़ किलोमीटर, बाइक पे ले जाने के लिए एक किलोमीटर के 150 रुपये कह रहा। बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है देखने में, और इधर ये किला है, ये ऐसे ऐसे किले आपने देखे होंगे बहुत बार फिल्मों में, ये जो होते हैं वही किले, ये नहीं पता कौन सी फिल्मों में हुए होंगे, लेकिन बहुत फिल्मों में दिखाई देते हैं ऐसे ऐसे किले। और ये रास्ता है, लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, ऊपर चढ़ेंगे और फिर वापिस जाने के लिए भाई यहाँ से नीचे उतर के और उधर जाना है, वो उधर ये पानी का तालाब दिख रहा है उसके साइड रोड है मेन, वहाँ पे जाना अपने को। तो दोस्तों हुआ ये कि जो ये जयगढ़ का किला देखना था हमको, ये है बहुत ज़्यादा ऊपर, जहाँ हम खड़े हैं अभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर खड़े हैं, लेकिन यहाँ से भी लगभग 1.5 किलोमीटर और ऊपर है, जिस कारण अब हम वहाँ नहीं जा रहे, अब हम चौकीदानी है कोई, राजस्थान का कल्चर दिखाया जाता है सारा कुछ, तो वहाँ जाने की तैयारी है यहाँ से अब, इसलिए हम निकल रहे हैं वापस, और हमको बहुत नीचे तक जाना है। वो देखिए आप सोच लीजिए जितना ऊपर आए हैं हम, इतना ऊपर और जाना था, लेकिन अब नीचे भी उतना ही जाना है, तो अब हम वापस चल रहे हैं यहाँ से, कल आएंगे वापस। 2 किले रह गए आगे, नाहर का किला है जो, और जयगढ़ के किले में भी बहुत कुछ खास चीज़ें हैं, म्यूजियम वगैरह है, तो वो कल देखेंगे, तो आज हम यहाँ से वापस चल रहे हैं। और अब हम कुछ खा पी लेते हैं थोड़ा बहुत, कुछ खाना भी है क्या, थोड़ा है खाने का, देखा जंजीरे का नींबू पानी बना रहे भाई। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ वापस जा रहे हैं, इधर ये बस मिल गई है, अब हम हवा में जाएंगे, वहाँ से बाइक लेके चौकीघाट टीजर चौकीघाट जाना है, वहाँ पर देखते हैं क्या कर सकता है। और ये देखिए बस कैसे खड़ा हो रहा है, ये देखिए भैया, और अभी यहाँ से चले हैं, लगेगा शायद ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी 20 मिनट के आसपास लगी जाएगी। चलिए दोस्तों आपको जयपुर की सैर करवाते रहेंगे, ये हमारे गिल्ली ये अंगूठा और ये कपड़े और ये बाल ऐसे हो रहे हैं जैसे कंबाइन वाले ड्राइवर आते पंजाब से सीजन मारने के लिए, सही है ना।